नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं पाचपावली के कोविड केयर सेंटर में। जानते हैं कि यहाँ की हालत अभी एक्चुअल में क्या है। वैसे तो आप सभी को पता ही है, नागपुर में जो है वो कोरोना ने आतंक मचाया हुआ है। तो ऐसे ही एक बात हम इरशाद से सर जी से जानना चाहेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे मामला एक्चुअली पूरा हुआ क्या है, बताइए सर एक्चुअली यहाँ पे कैसा क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद शेख, उपाध्यक्ष नागपुर शहर युवक कांग्रेस। आज जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे नागपुर शहर में कोरोना की महामारी जो चल रही है काफ़ी बड़ी तादाद में हो चुकी है, और कोरोना को देखते हुए आज नागपुर शहर के उत्तर नागपुर क्षेत्र में जो NMC और जमात इस्लामी हिंद ने जो हॉस्पिटल खोला, ये 80 बेड का हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ दी जा रही है। 80 बेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा है और यहाँ पे आज 12 दिन हो गए, 10 से 12 दिन हो गए और ये 10-12 दिन में बहुत अच्छी सुविधाएं लोगों को मिली है। और जमात इस्लामी हिंद भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही है, जो लोगों की खिदमत कर रही है। और यहाँ पे NMC की तरफ से जो डॉक्टर्स हमें मिले हैं, कुछ नर्सें हमें मिली है, और इसके अलावा जमात इस्लामी हिंद ने अपने तरफ से जो डॉक्टर्स लगाए हैं, ये अपने तरफ से डॉक्टर्स लगा के बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत कर रहे हैं। और डॉक्टर को भी जो पेमेंट जो दे रही है जमात इस्लामी हिंद दे रही है। और यहाँ पे कम से कम अभी तक के 70-80 पेशेंट जो है बहुत अच्छे, उनको रिलीफ मिला है, वो घर जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हम कोरोना महामारी जो बीमारी चल रही है इससे डरे ना, हम डट के सामना करें इसका, क्योंकि ये जो डर है हमको डर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कोरोना अगर हमको बीमारी है, इस बीमारी में हम RT-PCR कराए और दो तीन जाँचें वो जाँच कराए, अगर हमें कोविड आता भी है तो कम स्टेट में अगर कोविड है तो टैबलेट से भी अच्छी हो जाती है। अगर हमारा 10% के अगर अंदर आता है या 10% अगर हमको कोविड आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं टैबलेट से भी इसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन नागपुर में एकदम से कोरोना बढ़ने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम कोरोना में जो हमको सेफ्टी चाहिए था, हम वो सेफ्टी नहीं कर पा रहे हैं, हम सैनिटाइज का यूज़ अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ारों में भी आज भीड़ हमको देखने मिल रही है बाज़ारों में, और काफ़ी तादाद ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो छुआछूत की जो बीमारी, कोरोना जो छुआछूत की एक बीमारी हो गई है, और ये छुआछूत की बीमारी की वजह से कोरोना फैल रहा है। लेकिन बंगाल के जो इलेक्शंस है वहाँ पे तो लोग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, जहाँ मैं भी यही बोलना चाहूँगा, जहाँ इलेक्शन वहाँ पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस खत्म हो चुका है, अब वहाँ कोरोना क्यों ना आया, कोरोना क्यों नहीं आ रहा है, हम भी यही जानना चाहते हैं, हमको भी यही सुनना चाह रहे हैं कि जहाँ इलेक्शन चालू है, 5 राज्यों में इलेक्शन है, वहाँ बंगाल जैसे राज्य में कोरोना क्यों नहीं है? आज वो इलेक्शन खत्म होने दीजिए, देखिए वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कोरोना आज शो ऑफ हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी पाचपावली क्षेत्र में जो कोविड सेंटर खुला है, और ये कोविड सेंटर अगर हमारे नागपुर शहर में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में जैसा आज जमाते इस्लामी हिंद और NMC ने मिल के खोली, इसी तरीके से नागपुर शहर में कई संगठन ऐसी है, कई संस्था ऐसी है, अगर NMC और वो संस्था मिला के अगर 6 विधानसभा में 6 कोविड सेंटर अगर हम खोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, NMC और प्रशासन को मैं ये बोलना चाहूँगा, NMC अगर आज देखिए बेड की बहुत मारामारी चल रही है, आज आप कोविड सेंटर खोल के बेड की तादाद बढ़ाइए। आज बेड की तादाद नहीं होने की वजह से भी ज़्यादा पेशेंट आज मर रहे हैं, ज़्यादा पेशेंट को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज आप अगर बेड अगर बढ़ाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं हमको इस बीमारी से रिलीफ मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे नागपुर की जनता एक ऐसा काम कर रही है जो नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस हॉस्पिटल में पेशेंट है हम वहाँ पे जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ये चीज़ के लिए मना करना चाहूँगा कि देखिए, मैं आपके तकलीफ से बिल्कुल वाकिफ हूँ कि आपकी जो तकलीफ है हम मान सकते हैं, आपकी जो तकलीफ आपके साथ जो चल रहा है, मगर देखिए उस हॉस्पिटल में और भी पेशेंट होते हैं। हम वहाँ पे आग लगा दे रहे हैं, हम वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, मगर तोड़फोड़ करने, आग लगाने से उसका रास्ता नहीं निकलेगा ना। आपको लग रहा है कि उनसे वो लूटमारी की जा रही है? हाँ, ये मैं चीज़ मानूंगा, जैसा हमारे पास में जो रिपोर्ट आ रही है, जो लोग हमारे पास में चल के आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, डॉक्टर कहीं ना कहीं, एक देखिए डॉक्टर के दो रूप है, सिक्के का एक पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू। सिक्के का पहला पहलू ये, डॉक्टर वाकई में पेशेंट को अपनी फैमिली, अपने जिम्मेदारी और अपने अधिकार समझ के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपनी रात और दिन पेशेंट को दे रहे हैं। मगर सिक्के का जो दूसरा पहलू हम देखेंगे, कहीं ना कहीं पेशेंट अगर मर जा रहा है तो कुछ डॉक्टर सिर्फ अपने बैंक और जेब भरने का काम कर रहे हैं।
अगर डॉक्टर पेशेंट मर भी जा रहा तो डॉक्टर वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, वेंटिलेटर पे रखने के बाद में पेशेंट से मनचाहा पैसा वसूल कर रहे हैं। मैनेजमेंट की बहुत बड़ी उसमें गलती है, कुछ डॉक्टर्स की गलती है। अभी ये वक्त बैंक भरने और पैसा भरने का नहीं है। मैं देश की जनता को और शहर की जनता को ये बोलना चाहूँगा कि आज जो वक्त है हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे और लोगों की हमदर्दी में आए और लोगों की मदद करें। जो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाए। आप कोरोना से डरिए मत। अगर कोरोना पेशेंट है हम उसे हॉस्पिटल भी पहुंचाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कोरोना हमें हो जाएगा। कोरोना जब हम पेशेंट को छोड़ के आते हैं तो भैया गर्म पानी से आप नहाइए, सैनिटाइज कीजिए ऐसा, और कपड़े चेंज कीजिए। मगर ये वक्त अभी हमदर्दी का और मदद का है। पाचपौली जैसे और भी कई सेंटर्स यहाँ पे नागपुर में अभी खुलने चाहिए, उसके लिए आप क्या मतलब सहयोग कर रहे हैं? मैं हमारी बात भी चालू है, हमारे ऊर्जा मंत्री, हमारे शहर के पालक मंत्री माननीय डॉक्टर नितिन राउत जी के पास हमने ये प्रस्ताव भी रखे है कि शहर में और कोविड सेंटर खुलना चाहिए। अगर शहर में कोविड सेंटर खुलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट और इसका फैसिलिटी नागपुर की जनता को मिलेगा। मतलब कहाँ कहाँ से आते हैं पेशेंट? पेशेंट तो यहाँ नागपुर के अलावा बाहर से भी पेशेंट आ रहे हैं। नागपुर सिटी से तो पूरे नागपुर शहर से आ रहे हैं मगर नागपुर के अलावा बाहर से भी पेशेंट आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक जमात इस्लामी हिंद बहुत अच्छा काम कर रही, एनएमसी के साथ बहुत अच्छा काम कर रही, वहीं एक चीज़ हम देखते हैं तो यहाँ पे कई ऐसे पेशेंट हैं जो वापस जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्या, हमारे यहाँ जो 80 बेड है, अगर ये बेड डबल हो जाते हैं, 150 बेड अगर ये हो जाते हैं तो 150 बेड होने से पेशेंट को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इस एरिया में 150 बेड रखने के लिए जगह भी है? ठीक है, यहाँ पे अगर हॉल है, एनएमसी ने अगर हमने हॉल दिए तो कहीं यहाँ पे इतनी बड़ी फ्लैट स्कीम है। यहाँ पे आप ये देखिए मेरे सामने फ्लैट स्कीम दिख रही है, यहाँ पे कई रूम्स है। लास्ट टाइम जब कोरोना के टाइम पे यहाँ पे भी पेशेंट को एडमिट किया था, कोविड सेंटर इसे भी बनाया गया था। तो मैं ये प्रशासन से एक मांग और रखना चाहूँगा कि कई पेशेंट ऐसे हैं जो बेचारे आँखों में आंसू लेके यहाँ से वापस जा रहे हैं तो उनके आंसू आज हमसे देखना नहीं हो रहा। क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जो बेड 80 बेड है और प्लस ऑक्सीजन, इसके साथ अगर वेंटिलेटर यहाँ पे आ जाए और आईसीयू, अगर आईसीयू आ गए तो फिर पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वक्त में रमज़ान महीना चल रहा है, हमारी जो एक टीम है ताज का लंगर सहरी का इंतजाम कर रही है, इफ्तार का इंतजाम कर रही है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई हॉस्पिटल में यहाँ पे रह रहा है या मेयो मेडिकल या कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी के पास में सहरी का इंतजाम नहीं है, इफ्तार का इंतजाम नहीं है तो ताज के लंगर से कॉन्टेक्ट कीजिए और ताज के लंगर आपको हॉस्पिटल, घर, जहाँ घर तक के इंतजाम पहुँचा के दे रहे हैं। और ऐसे अगर बाहर के जो पेशेंट है, बाहर के पेशेंट को भी होम डिलीवरी और जो कोविड सेंटर में जो रोजगार है, ऐसे रोजगार को इफ्तार के वक्त में और सहरी के वक्त में, दोनों वक्त में हम इफ्तारी का और सहरी का इंतजाम करा के दे रहे हैं। क्या देखिए, नागपुर शहर में आपके पास में पूरे डाटा है जितने भी कोविड पेशेंट है। आज ये कोविड पेशेंट के घर पे कम से कम जो कोविड हुए है ऐसे लोगों के घर पे जाके सैनिटाइज कीजिए। और नागपुर शहर में किसी भी जगह पे सैनिटाइज नहीं हो पा रहा है। और प्रशासन से हम कहना चाहेंगे, और सबसे पहले तो महानगर पालिका के जो नगर सेवक है, आज किसी भी पार्टी के वो नगर सेवक है, ये पार्टियों के नगर सेवक का काम है। जब जनता ने आपको जिता के दी, जब नगर का सेवक बना के दी, तो आपका काम है प्रशासन में जाके सैनिटाइज अपने अपने मोहल्ले को, अपने अपने शहर में अपने अपने प्रभाग को सैनिटाइज करना। और मैं, चलो ठीक है, आप नहीं मोहल्लों को और इनको सैनिटाइज कर रहे तो आप कम से कम जो कोविड पेशेंट है और अपने गवर्नमेंट के पास में जो डेटा है, ये डेटा के पास में जाके उनके घरों पे जाके सैनिटाइज किया जाए। आज नागपुर शहर में सैनिटाइज कहीं नहीं हो रहा है। कम से कम प्रशासन इतना तो करें। प्रशासन आज बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढील दे रहा है। और प्रशासन से और नगर सेवकों से और हमारे यहाँ के आमदार खासदार से ये कहना है कि शहर में ही नहीं बल्कि जो कोविड के जो पेशेंट हैं उनके घर में भी जाके सैनिटाइज किया जाए। धन्यवाद।